गाइस, तो हम चैप्टर नंबर 21 कर रहे थे यहाँ पर। ये हमारा 21 है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके, तो ये हमारा क्लास 10th ICSE का है। हमारा चैप्टर जो 21 है, ये हमारी क्लास 10th ICSE को क्या सेलिना कौन साइज। ओके, तो इसका हम ये चैप्टर नंबर 21 कर रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 20C तक कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम 20D भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 21E को करेंगे। ओके, तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं या फिर आपको अदर्स वीडियोस की लिंक्स चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी सभी जो हमारे चैप्टर्स हैं इससे प्रीवियस, उनके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उसमें से कुछ ही चैप्टर हैं जो हमारे रह गए हैं। ओके, तो कुछ चैप्टर्स लेफ्ट हैं अभी हमारे, उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो अदर्स चैप्टर्स हैं जिस पर हमने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया, उनका भी अगर आपको लेक्चर देखना है तो उनका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। ऐसे मोस्टली बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देख लिए हैं, तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं तो वो आपके देख सकते हैं। ओके, और आप हेल्प ले सकते हैं हमारे वीडियो से, तो हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम 21 ही को करेंगे। इस पर भी हम हर एक क्वेश्चन को कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता हमारे वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर हमारे, कि प्रूफ हम कैसे करते हैं। देखो चैप्टर जो हमारा ये क्लास 10th है, क्लास 10th के अलावा हमने क्लास 9th के भी ऑल चैप्टर्स अपलोड किए हैं, उनका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको अदर वीडियोज़, मतलब आप सर्च करोगे ICSE के नाम से या फिर हमारे चैनल पर जाकर आपको उनके भी लिंक, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्लास 9th को कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल, 10th के कुछ चैप्टर्स हमारे रह रहे हैं। इसके बाद हम 11th के भी और चैप्टर्स लेके आएंगे मैथ्स के। ओके, और आने वाले इस टाइम में हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, 1 cos A + sin A + 1 cos A - sin A। इसको प्रूफ करके दिखाना है आपको, किसके इक्वल, 2 cos A / 2 cos² - 1। अब देखो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, देखने मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। क्यों, देखो इनके करने के क्या मेथड होता है, सिंपल आप इसमें यूज़ कर सकते हो क्या, कि आप सबसे पहले आपको देखो इसके करने के कुछ मेथड्स होते हैं कि आप इनको कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हो प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तो जब कभी भी आपके पास ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल या तो आपको LHS साइड लेनी है, RHS दिखा देनी है, या फिर RHS लेनी है, LHS दिखा देनी है, या फिर आप दोनों को अलग अलग सेपरेट सोल्व करो और लास्ट में इनके आंसर्स को सेम दिखा दो, तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा और ये हमारा प्रूफ माना जाएगा। ओके, तो बस यही करना है इसमें हमें। अब हम साइड कौन सी सेलेक्ट करें, साइड हम वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इस वाली साइड को देखो, इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे कि हम पहले इसमें क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं, फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस साइड को देखें तो इसमें तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि हम क्या करें, ना हम सेपरेट डिवाइड कर पा रहे हैं, ना किसी का आइडेंटिटी यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल ये साइड लेंगे हम इसमें LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट, और ये हमारा राइट हैंड पार्ट, ये LHS साइड होती है और ये RHS, राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास cos A + sin A, और यहाँ प्लस, और यहाँ 1 / यहाँ पर cos A - sin A। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, कितना आएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा cos A sin A, cos A + sin A। LCM क्या होगा इन दोनों का, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारे, तो दोनों की मल्टीप्लाई ही दोनों का LCM हो जाएगा। देखो अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, कि ये मैंने आपको एक अदर सेपरेट वीडियो भी दिया LCM के लिए, कि अगर आपको LCM नहीं लिया जा रहा है आपसे, आपको नहीं पता चल रहा कि LCM क्या होगा, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है नीचे वाली उन दोनों को मल्टीप्लाई में रखना है, इस वैल्यू को इधर रख देना है और इस वाली जो पूरी वैल्यू है उसको इधर रख देना है, बस बीच में प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस है तो इस पूरे फैक्टर को हम उठाकर यहाँ रख देंगे, 1 की जगह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी, तो ये सेम ही रहेगा हमारा cos A - sin A, प्लस ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी, तो ये हमारा सेम रहेगा cos A + sin A। नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे, प्लस साइन हटाएंगे, देखो प्लस साइन अगर हटाते हैं ब्रैकेट से बाहर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा अंदर वाली वैल्यूज़ पर, क्यों, क्योंकि प्लस साइन अंदर जाकर साइन चेंज नहीं करता, अगर माइनस साइन होता सभी के साइन जो अंदर वाली वैल्यूज़ उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस साइन चेंज नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, कोस के साथ भी कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। ओके,
ये प्लस का कोस ही रहेगा, ऐसे ये प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो ये भी प्लस रहेगा और ये साइन ही, क्योंकि अगर हम प्लस और प्लस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, ये रूल होते हैं हमारे, ये तो आपको पता ही होंगे कि प्लस 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 होता है प्लस माइनस, या फिर माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, या फिर माइनस प्लस माइनस होता है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और जब इन वैल्यूज़ को हम किसी के साथ प्लस माइनस करते हैं तो उस वैल्यू का साइन आता है जो वैल्यू ग्रेटर होती है। अब जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर देखो नीचे कोस ए प्लस कोस ए प्लस साइन है, कोस ए माइनस साइन है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह हमारा आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बी की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए, इस टाइप से। नाउ साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए क्या हो जाएगा टू कोस ए, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, साइन नहीं चाहिए। देखो अब आपको देखना है इसका क्या, कौन सा पार्ट, अब आपको देखना है इसका राइट हैंड पार्ट, क्या हमें प्रूफ क्या करना है। देखो ऊपर वाला तो बन गया हमारा टू कोस ए बन गया इसमें टू कोस ए, लेकिन हमें नीचे कोस चाहिए सिर्फ, और नीचे साइन भी आ रहा है हमारा इसमें, तो हम साइन को भी क्या करेंगे कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको पता है साइन स्क्वायर क्या होता है वन माइनस कोस स्क्वायर होता है, कैसे ये आपको पता ही होगा कि आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है वन। ए यहाँ पर एंगल है, एंगल कोई भी हो सकता है, ए ए भी हो सकता है, थीटा थीटा भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है, पर सेम होना चाहिए यहाँ वन, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को अगर हम इधर ही रहने दें तो कोस स्क्वायर आ जाएगा इधर हमारा, तो इसको लिख देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, तो यहाँ पर टू कोस ए और डिवाइड में कोस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस और ये कोस स्क्वायर ए। अब इसको करेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो कोस स्क्वायर है प्लस का और ये भी कोस स्क्वायर है प्लस का, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे रहने देंगे टू कोस ए डिवाइड में कोस और कोस स्क्वायर है टू कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स हैं तो ये प्लस हो जाएंगे हमारे। तो आप ये सोच रहे हो कि कोस की पावर फोर क्यों नहीं आई, कोस की पावर फोर तब होती है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में होती तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन अगर वैल्यू प्लस में है तो सिर्फ इनके जो कोफिशियंट होते हैं ना वही प्लस या माइनस होते हैं, तो वन इसका इसका वन, तो दोनों प्लस के तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, इसलिए वन और वन टू कोस स्क्वायर ए हो गया है और माइनस वन हो गया प्रूफ हमारा, ये तो हमें प्रूफ करना था, ये रहा हमारा आर एच एस, बस इसको कर देंगे हम हैंस प्रूफ, ये करना छोटा सा आपको क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को बस आपको समझ लेना है कि आपको किस टाइप से करना है, बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चन। अब देखो कुछ आपको देखो इनके आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि जो हमारी आइडेंटिटी है थ्री आइडेंटिटी, ये वाली पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है, और आपको इनकी अलग अलग जो आइडेंटिटी होती है ना कि सेक स्क्वायर ए वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है वो होता है, वो कुछ भी याद नहीं रखना, बस इनको मेन जो आइडेंटिटी ना इनको याद रखो, इनको ही ट्रांसफॉर्म करके हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, तो इतने सारे फॉर्मूले जो बना देते हैं ना उल्टे सीधे, ये बेकार की बातें होती हैं, आपको जो मेन फॉर्मूले वही लर्न करने होते हैं ज़्यादा, कि सेक स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ये याद रखोगे आप, मत रखो इनको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इनके मेन फॉर्मूले याद रखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए वन होता है, एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए वन होता है, इन्हीं को ही हम जिसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे, बस बात खत्म। ज़्यादा इसमें अगर माइंड में ज़्यादा चीज़ें रखोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे और मिस्टेक करोगे फिर क्वेश्चन करने में। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है कोसेक कोसेक ए माइनस कोट ए और ये किसके इक्वल है साइन ए और डिवाइड में वन प्लस कोस ए, ये है हमारा, करेंगे इसको सोल्व। कौन सा पार्ट लें हम, देखो जिस पार्ट को हम साइन कोस में चेंज कर सकें, एक और बात कि अगर दोनों ही पार्ट हमारे साइन कोस में है तो आप किसी भी पार्ट को ले सकते हैं, लेकिन किसको लें फिर भी हम, जिसमें हम सॉल्यूशन कर सकें कुछ ना कुछ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम कुछ कर सकें, वो साइड लो, जैसे हमने इसमें ले ली, लेकिन जो साइड हमारी क्या है कि साइन कोस से अलावा किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दी है, जैसे हमें कोस टेन इसमें दी है, तो उस साइड को लो और उसको साइन कोस में चेंज कर लो, और ये पहले से साइन कोस में तो इसकी जैसी हो जाएगी हमारी, तो सिंपल हम एलएचएस पार्ट लेंगे इसमें, तो कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल्स टू क्या, मतलब इक्वल्स नहीं लेना हमें, तो सिर्फ एलएचएस पार्ट लेना। अब इसको साइन कोस में चेंज करो, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन कोस में किस टाइप से चेंज होते हैं, कोसेक को वन अपॉन साइन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे हमने ये किया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला, जो हम ट्रिक जिसे याद रखते हैं कि ये साइन कोस टेन कोट, ठीक है,
और ये sec cosec, तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको sec cosec को क्या कर लेते हैं, हम cosec को चेंज कर लेते हैं हम क्या, cosine और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो sin को लिख सकते हैं 1/cosec और cosec को लिख सकते हैं 1/sin, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin, तो ये 1/sin ए माइनस cot को क्या लिख सकते हैं, cot होता है, देखो cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन tan ऑल्सो इक्वल होता है, जो tan की वैल्यू आती है ना वो ऑल्सो इक्वल आती है किसके, sin अपॉन cos के, और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot की वैल्यू आती है, जो सबसे ज़्यादा ये वैल्यू यूज़ होती है हमारी sin cos वाली, तो ये क्या होता है cos अपॉन sin, तो हम किसका यूज़ करेंगे cot के प्लेस पर, cos अपॉन sin, तो ये यूज़ करेंगे cos अपॉन sin। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर तो आप क्वेश्चंस को कर दोगे, और फिर बस आपके माइंड में ये चलना रहना, हाँ चलते रहना चाहिए कि ये कैसे आएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो नीचे आ जाएगा, और कुछ आपको मैं ट्रिक्स जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखने की, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा हमारा सॉल्व तो फिर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ 1-cos है, ये हो गया। अब बात आ जाती है हमारी कि ये तो आ ही नहीं रहा हमारा, ये तो आ नहीं रहा, लेकिन हम इसे बना सकते हैं, ऐसा कैसे बना सकते हैं बात आती है कि अब इसे बना कैसे सकते हैं। देखो नीचे अगर 1+cos है ना, तो आप क्या करो, नीचे 1+cos है और ऊपर भी 1+cos है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐसा करने से होगा क्या कि अगर हम इसमें इस वाले पार्ट में क्या करते हैं साइन है और इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं किसकी, 1+cos है और 1+cos है की 1+cos है। अब ये 1-cos है 1+cos है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या ए स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, ऊपर क्या जाएगा हमारा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स cos a का स्क्वायर, और cos a के स्क्वायर को आप ऐसे लिखो या फिर स्क्वायर यहाँ लगा दो, दोनों की बात सेम ही होती है। अब ये साइन a नीचे हो गया 1+cos a। नाउ अब हम इसको करेंगे 1-cos a का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर a और डिवाइड में कितना साइन a, और नीचे आ रहा है 1+cos a। देखो कुछ कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि हमारा हो गया क्वेश्चन, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, हमें तो सिर्फ ऊपर साइन a चाहिए और नीचे सिर्फ 1+cos a चाहिए, साइन हटाना है और ऊपर बनाना है साइन। ओके तो ऊपर अगर हमें साइन बनाना है तो हम साइन कैसे करेंगे इसमें साइन, तो ऊपर साइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1-cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, अभी हमने यूज़ किया था कि 1-cos स्क्वायर क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर हो ही रहा, 1-cos स्क्वायर किसके ऊपर इक्वल होगा साइन स्क्वायर। अब इसको हमने साइन स्क्वायर लिखा और नीचे भी साइन है और फिर है 1+cos ए, कैंसिल कर देंगे इसको हम, तो बचेगा क्या, आ जाएगा हमारा वही जो हमें प्रूव करना है, साइन ए अपॉन 1+cos ए। ओके यही तो प्रूव करना है हमें, साइन अपॉन 1+cos ए प्रूफ करना है, साइन अपॉन 1+cos ए हो गया प्रूफ हमारा, बस यही तो करना है, सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे, तो डरना नहीं है बिल्कुल, ये लाइट परेशान कर रही है, बीच में आ रही है जा रही है। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हो गया ये कंप्लीट हमारा, नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये गिवन क्या है हमें, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन गिवन क्या है, क्या करें अब इसमें, देखो ये वाला पार्ट तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, cos ही cos है, इसमें हम क्या करें ना प्लस माइनस ना कोई आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे जो जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा वैल्यूज होती हैं उस वाले पार्ट को ही लेते हैं, तो इस वाले पार्ट को ही लेंगे हम। नाउ अब हम करेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में कि हमें क्या बन जाए हमारे लिए cos बनेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं इसका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर एलसीएम लेने से बेस्ट यहाँ पर पता क्या है, एलसीएम भी लोगे तो यहाँ पर 1+cos हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। एलसीएम लेने से बेस्ट हमें एक यहाँ पर एक तरीका दिख रहा है, मतलब हमें क्या कर लें कि साइन स्क्वायर को cos में चेंज कर लें 1-cos स्क्वायर, तब ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो अगर हम इस साइन स्क्वायर को लिखें 1-cos स्क्वायर और डिवाइड में कितना 1+cos है हमारा, अब क्या करें भाई इसका, तो अब हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, 1 पर स्क्वायर हम लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया a² - b² और इसी को क्या लिख सकते हैं हम a+b और a-b भी लिख सकते हैं, तो a+b मतलब a की वैल्यू क्या 1 और b की वैल्यू क्या cos है, तो a+b और a-b, इस चीज़ को समझना है कि किसको हम a ले रहे हैं किसको b, a हमने किसको ऐड किया a 1 को और b किसको ऐड किया cos a को, तो a+b और a-b हो गया, डिवाइड में क्या आ रहा है हमारा 1+cos a,
और वन प्लस कोस ए से वन प्लस कोस ए कैंसिल कर लो, बचा वन माइनस, ये बच गया हमारा वन माइनस कोस ए। अब हम देखो माइनस साइन बाहर से हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर माइनस साइन हटाएंगे यहाँ से तो आएगा वन माइनस साइन, ये माइनस का वन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कोस ए। तो अगर बाहर माइनस साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ इसके साथ कोई नहीं, उसका भगवान उसका गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर वन माइनस प्लस, ये क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, आ गया कोस ए, हो गया प्रूफ हमारा, यही तो प्रूफ करना है हमें। तो ये हैंस प्रूफ, ओके, ये करना है आपको सिंपल क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड हो गया हमारा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, करेंगे इनको भी हम इसी टाइप से आगे, देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। वन माइनस कोस ए साइन ए प्लस साइन ए वन माइनस कोस ए और इक्वल्स टू कितना, टू कोस एक ए, ओके। इसमें भी देखो आपको क्लियरली विजिबल है कि आप क्या लोगे, इस वाले पार्ट को ही लोगे, क्योंकि इस वाले पार्ट से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई आइडेंटिटी, ना प्लस माइनस, ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। और क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या लग रहा है कि एलसीएम ही करेंगे हम इसमें, और क्या करेंगे, एलसीएम ही है। सबसे पहले हम इसमें एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए और वन माइनस कोस ए, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लें या फिर कुछ और यूज़ करें इसमें, तो देखो और कुछ तो यूज़ हो ही नहीं रहा, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं आ रहा, आइडेंटिटी भी कुछ यूज़ नहीं हो रहा, सेपरेट डिवाइड तो हम कर सकते हैं बस, इसमें और वैसे कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम इसमें लास्ट हमारा क्या बच जाता है, लास्ट हमारा जो चांस है वो हमारा बस एलसीएम करने के रह गया है कि हम इसमें एलसीएम ही अप्लाई करें। तो एलसीएम लेंगे दोनों का, और दोनों का एलसीएम क्या होगा, अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू से, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर। अब देखो यहाँ वन माइनस कोस ए पहले से है, और वन माइनस कोस ए इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों सेम फैक्टर हैं, तो दोनों पर लग जाएगा होल स्क्वायर, वन माइनस कोस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस साइन ए को साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ओके। नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर है, मतलब ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह सोल्व करेंगे। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस डायरेक्ट भूल जाते हैं कि इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी लगानी है इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी आएगा, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू, ये बी की वैल्यू, बी की जगह क्या है कोस, तो टू इंटू वन इंटू कोस, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, इतना वैसे बताना नहीं चाहिए, पर सभी बच्चों को ध्यान में रख के चीज़ें बतानी होती हैं, तो यहाँ पर हम सभी को लेकर चल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर कोस ए वन प्लस कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, देखो कोस ए का होल स्क्वायर हो या फिर कोस स्क्वायर हो, दोनों सिंपल ही है कि हम जो स्क्वायर होता है ना, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज में, कि स्क्वायर को हम यहाँ भी लगा देते हैं, ओके। माइनस इसको हम टू कोस ए लिखेंगे, क्योंकि टू इंटू वन टू ही तो आएगा, और टू को कोस ए से करेंगे तो टू कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नाउ तो व्हाट विल डू, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो एक चीज़ आ रही है हमारे समझ में कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, आंसर में सिर्फ हमें कोस एक्स चाहिए, तो अगर हम इन दोनों को वन लिख लें, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, तो इन दोनों की वैल्यू को अगर हम वन लिख लें, ये भी प्लस का वन आएगा, ये भी प्लस का वन, प्लस का टू, टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस कोस ए आएगा, और वन माइनस कोस ए से वन माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो कैसे, वन प्लस अगर हम इस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ रख के इनको वैल्यू को क्या ले लें, वन ले लें, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, वन, ओके। और ये आ गया हमारा साइन वन माइनस कोस ए। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो गया वन, ठीक है, इस वाली वैल्यू की वैल्यू, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, वन और माइनस टू कोस ए, और डिवाइड में क्या साइन ए, यहाँ साइन ए है, एंगल ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ साइन ए है
क्योंकि देखो साइन ए, यहाँ पर साइन का जो एग्जिस्टेंस है वो एंगल की वजह से है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का एग्जिस्टेंस उसके एंगल की वजह से, अगर उसमें एंगल ही नहीं है ना तो वैल्यू ही कुछ नहीं है, वो तो फिर एक वर्ड हो गया इंग्लिश का। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टू माइनस टू कोस ए डिवाइड बाय कितना साइन ए और वन माइनस कोस ए, दोनों से टू कॉमन निकाल लें अगर तो अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा वन क्योंकि इसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसके साथ हम टू इंटू वन लिख सकते, तो वन बचेगा माइनस यहाँ से लेंगे तो यहाँ बचेगा कोस ए और डिवाइड में साइन ए और वन माइनस कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो टू अपॉन साइन ए, टू अपॉन साइन ए हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा। देखो टू अपॉन साइन ए को मतलब टू को अलग रखो तो वन अपॉन साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो ऊपर आकर ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि कोसेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन को लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक और कोसेक फिर ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है क्योंकि साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हो गया हमारा प्रूफ, ओके। तो ये करना है आपको, ये इसके स्टेप, इस स्टेप के बाद आपको ये, इसके बाद ये फॉलो करनी है, देन ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका अब हम। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि कोटे अपॉन वन माइनस टेन ए, क्वेश्चन लिखते हैं कोटे और वन माइनस टेन ए, फिर प्लस टेन ए और डिवाइड में वन माइनस कोटे इक्वल्स टू क्या, वन प्लस टेन ए और प्लस कोटे, ओके। अब बताओ अब क्या करें इसमें भैया, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा नहीं सोचना आपको, कौन सी साइड लें, देखो इस साइड लेंगे अगर हम, इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे, लेकिन इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमारी क्या आ रही है, अलग अलग फ्रैक्शन में भी आ रही है वैल्यू, फिर बीच में प्लस है, तो हम इसको ना लेके क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, और अगर हम इसको लेते हैं तब क्या करेंगे, तब हमारे पास एक तो ये एक ये वे है कि हम इसको क्या करें, साइन और कोस में चेंज कर लें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साइन और कोस में चेंज होकर सोल्व हो जाते हैं और उनका प्रूफ भी आ जाता है हमारा। तो क्या इसमें भी हम साइन कोस यूज़ करें या फिर डायरेक्ट हम इसमें क्या करें एलसीएम लें, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे अगर, तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और फिर आने वाला कुछ भी नहीं है इसमें भी हमारा अगर हम करेंगे तो इसको, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें साइन कोस में चेंज करेंगे। सबसे पहले साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोट को लिखते हैं हम कोस अपॉन साइन, कोस ए अपॉन साइन ए डिवाइड, इस टेन को लिखेंगे वन माइनस टेन को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे टेन को साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइड में वन माइनस कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। देन अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, तो इसमें नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इसके साथ इसको भी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, ऊपर वाली वैल्यू लिख रहे हैं अभी हम, ये वाली वैल्यू, ये जो ऊपर है ये नीचे अलग है, ये ऊपर अलग है, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो कोस ए हो जाएगा और माइनस साइन ए और डिवाइड में हो जाएगा कोस ए। तो आ रही है ना बात समझ में आपको, तो सिंपल ही भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी साइन ए अपॉन कोस ए और डिवाइड में क्या, इसको सोल्व करेंगे तो साइन ए आ जाएगा हमारा साइन ए और माइनस कोस ए डिवाइड में क्या साइन ए। यहाँ पर अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, देखो ये पूरे एक ही है, ये एक सिंगल टर्म है हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होती है और सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाती है, ये आपको पता है, ये नीचे आएगी और सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाएगी, तो कोस सबसे ऊपर जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये करेगा कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन ए और क्या कोस ए माइनस साइन ए, फिर बीच में प्लस, फिर साइन सबसे ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए,
डिवाइड में ही कोस है और यहाँ पर साइन है माइनस कोस है, ये हो जाएगा। अब क्या करें भाई इसमें, हम कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, करें क्या अब इसमें हम नेक्स्ट। अब देखो इसमें कि साइन है यहाँ कोस है, लेकिन यहाँ कोस ए माइनस साइन है और यहाँ साइन ए माइनस कोस है, क्या किया जाए इसमें। देखो एलसीएम ले सकते हैं इसमें अभी हम, लेकिन ये कोस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कोस है, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक में से साइन माइनस फाइंड मतलब कर लेना, हम कॉमन ले लें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो एक प्लस का कोस हो जाएगा और माइनस का साइन हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम इसके जैसे हो जाएगा। तो एलसीएम थोड़ा क्या हो जाएगा ईजी, क्यों, क्योंकि जो सेम वैल्यू है उसको एक बार लेना और जो डिफरेंट वैल्यू उनको मल्टीप्लाई में रख देना है, वो एलसीएम हो जाएगा हमारा। क्योंकि अगर मैं अभी इनका एलसीएम लेने लगूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। इस चीज़ को समझना है कि माइनस साइन कॉमन हम किस टाइप से लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, और जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो वैल्यू मतलब क्या हो जाती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी कोस ए और ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और वो माइनस साइन इस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस प्लस माइनस हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखो कोई भी स्टेप अगर आप लिखते हो ना, जैसे हमने इस स्टेप के बाद ये लिखी तो इससे यही बननी चाहिए, तो आई इसका मतलब ये वाली सही है हमारी। तो ऐसे इसमें देखो अगर आप कि अगर हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो कोस क्या हो जाएगा प्लस का और साइन क्या हो जाएगा माइनस का, लेकिन अगर इसी माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी बिल्कुल, यहाँ प्लस बन जाएगा। तो इसको ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल। नाउ अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर रख दो, कर सकते हैं ऐसा भी हम, कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कॉमन फैक्टर आपका जो कोस माइनस साइन है आप दो बार ले रहे हो वो वापस आएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो, आँख बंद करके सही आएगा आपका तब भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा कि जो कॉमन वैल्यू होती है ना, जो सेम वैल्यू होती है वो एक ही बार ली जाती है एलसीएम में, क्योंकि लेट कर लेते अगर यहाँ भी टू होता मल्टीप्लाई में, यहाँ भी टू होता तो टू और टू का एलसीएम तो टू ही आता, फोर थोड़ी ना आता, टू टू ज़ फोर, तो ये है बस कॉन्सेप्ट हमारा जो कह रहा है। तो सिंपल इसको एक बार लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए, और साइन ए कोस ए दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, इनको भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे साइन ए कोस ए एज इट इज। नाउ अब इसमें क्या मल्टीप्लाई होगी ये देखना। तो अगर हम इस वैल्यू वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू से उसको डिवाइड करें तो सारी वैल्यू कट जाएगी, कोस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचेगा, तो हम इसमें कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा कोस क्यूब ए, ये चीज़ समझेंगे, माइनस इस वैल्यू को अगर इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम में यही तो रूल फॉलो करते हैं हम कि जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखते हैं, जो भी बच जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो बचेगा साइन क्यूब ए बचेगा। अब नेक्स्ट क्या करें इसमें, आगे प्रोसीड करने के लिए देखो इसमें अगर क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तभी ये होगा, क्योंकि इसमें क्यूब बन रहा है दोनों में, कोस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। क्यूब वाली आइडेंटिटी मीन्स कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, वो यूज़ करेंगे इसमें अब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसी को हम आगे लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम आगे लेके आएंगे यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है हमारी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होती है ए माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके। तो ये याद रखनी है आपको, ए प्लस बी क्यूब, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो यहाँ प्लस आता और यहाँ माइनस आता, बस सारी वैल्यू बिल्कुल ऐसी रहती है, यहाँ प्लस आता और यहाँ माइनस आता। नाउ अब इसमें अगर हम यूज़ करेंगे इसमें कोस क्यूब ए और माइनस साइन क्यूब ए में, इसको अगर हम ए मान रहे हैं कोस ए को, साइन ए को अगर हम बी मान रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो क्या आता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी कोस ए माइनस साइन ए। फिर ब्रैकेट में क्या लेंगे हम, फिर ब्रैकेट में लेंगे ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमने किसको ऐड किया, कोस को, तो करेंगे कोस का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी किसको माना, इसको ए इसको बी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कोस ए साइन ए
फिर प्लस बी स्क्वायर किसको ऐड किया, साइन को, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कर देंगे। बस ये करना है आपको। तो ये आइडेंटिटीज़ जो बीच बीच में आ जाती हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हो। और ये याद करना इतना टिपिकल नहीं है, आप सिंपल इनको दो तीन बार करोगे अपने आप ये हैबिचुअल हो जाती हैं, आप इनको कर सकते हो, बिल्कुल आपके टंग पे आ जाती हैं, ये लर्न हो जाती हैं बहुत ही सिंपली। ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, साइन ए कोस ए। अभी इनको देखेंगे अगर हम, अब बचा हमारे पास सिर्फ क्या, कोस ए और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या साइन ए कोस ए, डिवाइड में क्या साइन ए कोस ए। अब क्या किया जाए, किसका आंसर लिया जाए, वन प्लस टेन ए कोटे। तो देखो अब हमें, अब हम कुछ नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर को वन रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर को वन रख सकते हैं। लेकिन क्या अगर हमने इनको वन रखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को अगर वन रखा, तो क्या ये वाला आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स आ रहे हैं, और इसमें अगर हमने इनको वन कर लिया तो इसमें टू टर्म्स बचेंगे सिंपल। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे सभी के साथ, सभी के साथ सेपरेट डिवाइड करेंगे, कोस के साथ भी, कोस स्क्वायर ए के साथ साथ सेपरेट डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए प्लस कोस के साथ कर देंगे, फिर साइन ए कोस ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए के साथ कर देंगे, फिर साइन ए कोस ए, कितना होगा ये, देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, कोस ए अपॉन साइन ए, एक कोस बचा ऊपर नीचे साइन, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो देख सकते हैं इसे कोटे, प्लस ये पूरा कैंसिल हो रहा है, कोस से कोस, साइन से साइन, थे वन, प्लस एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस कितना होगा टेन। तो बस यही तो प्रूफ करना है हमें, वन प्लस टेन ए कोटे। तो हम इसको क्या कर देंगे, वन प्लस टेन ए कोटे, हो गया प्रूफ। ओके, ये हो गया आंसर प्रूफ। बस सिंपल हमारा ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का हमारा। नेक्स्ट करेंगे ऐसे गाइस, इसमें हम ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2016 में आया है PYQ हमारा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर अब हम करेंगे कोस ए, क्या ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा डिफरेंट है। तो कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू सेक ए, कैसे करें इसको। तो सिंपल सी बात है भाई, हम इसी को लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या सोल्व करेंगे, सिंगल टर्म गिवन किया हमें, वन प्लस साइन ए प्लस टेन ए। नाउ साइन कोस में चेंज कर लो, ये तो पहले से ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है, तो इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे हम, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, यहाँ प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। अब क्या करेंगे इसमें हम नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और कुछ कर ही नहीं सकते हम, तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कोस ए। अब क्या करेंगे, कोस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इस वन प्लस साइन ए को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको साइन को अंदर एंटर करेंगे हम, तो साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें ब्रैकेट में, तो ये साइन ए हो जाएगा, ये ए होगा हमारा, फिर ए भूल गए हम, यहाँ पर साइन ए है, तो साइन ए प्लस साइन ए साइन ए साइन स्क्वायर ए चाहिए, क्या हमें चाहिए, हमें सेक ए। सेक ए कब बनेगा, जब वन अपॉन कोस होगा, तो यहाँ पर आ रहा है वन प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो फिर क्या यूज़ करेंगे हम, कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए वन होता है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए वन होता है, तो इसको वन लिख लेंगे प्लस साइन ए। आइडेंटिटी दिखा, मतलब आप शो भी करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर शो भी कर सकते हैं कि हमने क्या यूज़ किया है, कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को हमने वन यूज़ किया है,
यहाँ पर ये हो गया, और नीचे वन प्लस साइन स्क्वायर साइन ए ऑलरेडी है हमारा, तो ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे हमारी। अब वन अपॉन कोसे बचा, और वन अपॉन कोसे किसके इक्वल होता है सेक के, हो गया प्रूफ। ये करना था हमें प्रूफ में, हैंस प्रूफ। सिक्स्थ पार्ट था ये हमारा, सेवन्थ पार्ट देखेंगे इसमें। सेवन्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, सेवन्थ पार्ट इसी का सिमिलर है हमें, लेकिन हम आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं होने देंगे। साइन ए अपॉन में वन माइनस कोस ए माइनस कोट ए और कोस ए के करेंगे इसको सोल्व। कोट ए हो जाएगा साइन ए और वन माइनस कोस ए माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए ओके। तो हमने एल एच एस पार्ट लिया है, सोल्व करेंगे इसको हम। देखो वैसे तो एल एच एस पार्ट में हमें जो वैल्यूज होती है बिल्कुल सेम एज इट इज लिखनी होती है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। आपको एग्जाम में पहले फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम लिखनी है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ओके। सॉल्व करेंगे फिर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई। साइन ए साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस है बीच में, और ये क्या हो जाएगा कोस ए, और हो जाएगा वन माइनस कोस ए। फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम, फिर कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या साइन स्क्वायर ए, या माइनस कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए, माइनस माइनस प्लस कोस ए कोस ए कोस स्क्वायर ए। देखेंगे इसको वन माइनस कोस ए और या साइन ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए वन, और या माइनस कोस ए, नीचे वन माइनस कोस ए और साइन ए कैंसिल कर देंगे इसको, तो वन माइनस साइन ए क्या हो जाएगा हमारा कोस ए के। ये है बस हमारा सिंपल, ये हो गया हमारा सेवन्थ पार्ट। इसका एट्थ पार्ट करते हैं अब हम। एट्थ पार्ट देखो कुछ अलग सा टाइप है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं इसमें क्या करें अब हम। तो देखो जब कुछ ना बचे आपके पास तो आप इसमें रेशनलाइज कर सकते हैं, सेपरेट डिवाइड भी ना हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम कुछ नहीं हो रहा हो हमारा, तो फिर उसमें एक ही चांस बचता है हमारा कि हम क्या करें उसमें रेशनलाइज करें। रेशनलाइज कैसे करना है वो ध्यान रखना है बस आपको। इक्वल्स टू किसके इक्वल है, कोस ए और वन माइनस साइन ए। देखो अब क्या करेंगे इसमें हम, ये वाला पार्ट अगर हमने लिया तो इससे हम ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बने, इससे हम ये बना सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे हैं? तो एल एच एस पार्ट लेंगे, एल एच एस पार्ट में यही है हमारा साइन ए माइनस कोस ए प्लस वन, फिर साइन ए प्लस कोस ए और माइनस वन। इसमें देखो आप ना तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर पा रहे हो, ना कुछ एलसीएम है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, साइन कोस में ऑलरेडी साइन कोस में चेंज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले से साइन कोस में। अब क्या करें हम, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे, कि पहले आप एक ए वैल्यू सेलेक्ट करोगे और बी, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप इसको ए ऐड कर सकते हो और इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ऐसे इसको ए और इसको बी, तो ये हमारा ए माइनस बी है। तो अगर ए माइनस बी है तो इसमें ए प्लस बी की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब यही फैक्टर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन के साथ, तो साइन ए प्लस कोस ए, माइनस साइन है तो प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन ए प्लस कोस ए और प्लस वन। अब देखो आप ऊपर तो बिल्कुल डिफरेंट ही है हमारा, ऊपर तो बिल्कुल सेम आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ तो सेम है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे आप कह सकते हो कि ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, और यहाँ माइनस है, प्लस है, तो बस ए माइनस बी और ए प्लस बी कह सकते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे हम साइन ए माइनस कोस ए और प्लस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए और प्लस वन डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करें इसमें हम, इसको करेंगे अब हम कैसे कि ऊपर तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, इसको सोल्व करेंगे नीचे हम फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। माइंड में ये रखना है कि ये भी लाना है आपको। तो अब अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो जब अभी जब आपके मतलब माइंड में कुछ ना चले कि हम क्या करें इसमें, तो आप उसे आगे सोल्व करो बस, तो आपको कुछ ना कुछ उसका वे मिल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन ए की पहले मल्टीप्लाई इन सभी में, फिर कोस ए की इन सभी में, फिर प्लस वन की इन सभी में, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बस। तो साइन ए की इसमें करेंगे, देखो जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही मेथड हो सकता है, इसका अलग भी वे हो सकता है सोल्व करने का। ओके तो आप देखो ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, जो हम करा रहे हैं क्या वो ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई ईजीएस्ट वे पता तो वो भी हमें कमेंट करना। ओके और हम भी इसमें देखेंगे कि कोई अदर मेथड होगा तो करने के लिए, वो भी आपको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे। ओके तो यहाँ पर साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तो साइन स्क्वायर ए। तो मैथ्स को कभी भी रटना नहीं है आपको, बिल्कुल अंदर तक समझना है बिल्कुल, ठीक है, उसके रूट को समझना है कि क्या है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कैसे हमें चीज़ों को एनालाइज करना है। एनालाइज करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स में। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पहले इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इसको किस टाइप से करना है। हमें माइनस कोस ए साइन ए, फिर माइनस का ए और माइनस का ए, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर होगा माइनस का, और ये माइनस और प्लस, फिर ये माइनस, तो माइनस का कोस ए हो जाएगा। फिर प्लस वन से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस वन से सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी हमारी। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए को तो साइन ए रहेगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए को तो कोस ए रहेगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो वन का वन ही रहेगा। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस वन। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कहीं, और कोस स्क्वायर है कहीं, नहीं है। लेकिन देखो ये साइन ए कोस है, माइनस का साइन ए कोस है, ये भी ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ साइन ए है प्लस का, यहाँ पर भी साइन ए, और यहाँ पर भी साइन ए प्लस का, कोस ए यहाँ पर है प्लस का या माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या रह गया अब हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर है और माइनस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए और माइनस कोस स्क्वायर ए रह गया। एंड और क्या रह गया हमारे पास, साइन ए और साइन ए रह गया, और ये वन रह गया सिंपल हमारे पास, ये हो गया रह गया, ये वन रह गया। तो अगर हम इसको देखें तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन ए और साइन ए क्या हो गया, टू साइन ए और प्लस वन डिवाइड में यहाँ करेंगे हम साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए वन, और यहाँ प्लस टू साइन ए कोस ए, और यहाँ माइनस वन आ रहा तो कैंसिल हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाइड सा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन नीचे ये नहीं आ रहा वन माइनस साइन ए, तो इसको ही बनाएंगे हम, पहले करते तो हैं, देखो देख लो पहले इसको कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, क्या इसको भी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसको करें वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो अगर हम इसको ही साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर ए कर लें इसको, और फिर प्लस टू साइन ए और प्लस वन और डिवाइड में कितना, टू साइन ए कोस ए, तो देखते हैं ऐसा हो भी जाएगा या नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन हो जाए, तो बस आपको उसको करना है बिल्कुल लास्ट तक। माइनस वन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए
कोई ना कोई वे आपको जरूर मिलेगा जब आप उसको सोल्व करोगे। ये टू साइन है, कभी कभी बच्चे हैं मतलब बीच में छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि आगे होगा ही नहीं सोल्व भी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को में हमें नहीं पता होता कि आने वाले मतलब स्टेप में आप क्या चेंज हो जाए और उसका आंसर मिल जाए हमें। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर है और इसमें भी कुछ ऐसे ही होने वाला। देखो साइन है और डिवाइड करेंगे टू साइन है को से, अभी भी नहीं लग रहा हमारा कि आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम टू कॉमन ले लें इसमें से, आगे प्रोसीड करते हैं इसको यहाँ पर, अगर इन दोनों में से टू कॉमन ले लें और साइन भी कॉमन ले लें क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन ए और माइनस वन, और डिवाइड में कितना, डिवाइड में टू साइन ए कोस ए। उल्टा रहा है क्वेश्चन हमारा ना, देखो ऐसे टू साइन ए कैंसिल हो रहा है, साइन ए ये आ रहा है हमारा। देखो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें गिवन दिया है क्वेश्चन उस फॉर्म में, तो कर सकते हैं इसको भी हम। तो क्या करना है हमें, देखो हमें क्या करना है, वन माइनस साइन ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन ए से ही क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, वन माइनस साइन ए, और यहाँ पर भी क्या कर लो, वन माइनस साइन ए कर लो, क्योंकि सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम किसी भी टर्म में, किसी भी वैल्यू में हम सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि उससे वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए को साइन से करेंगे तो साइन ए साइन ए, साइन को यहाँ पर इससे करेंगे हम तो साइन से तो साइन स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर है, फिर वन को इससे करेंगे तो माइनस वन, और माइनस वन को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन ए, तो नीचे कोस आ रहा है हमारा, ऊपर आ रहा वन, नीचे आ रहा वन माइनस साइन ए। देखो ऊपर हमें कुछ ना कुछ करके हमें क्या बनाना है, कोस बनाना है, साइन ए टू साइन ए हो जाएगा या माइनस वन हो जाएगा, फिर तो ये बन नहीं रहा है हमारा है, या बन रहा है, तो बन रहा है हमारा कैसे, साइन ए टू साइन ए, ये माइनस का साइन स्क्वायर है और ये माइनस का वन, और अपॉन में कितना कोस ए और वन माइनस साइन ए। अगर हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो बात तो वही हो जाएगी फिर, अगर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इसको कैसे, इसको अगर माइनस साइन कॉमन लेके क्या लिख दें, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दें, तो माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारा। तो यहाँ पर आकर हम अभी कन्फ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर आगे क्या करें इसमें, स्टेप से थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ से अगर हमने क्या किया है कि यहाँ से अगर हमने टू कॉमन लिया, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर मिस्टेक हो और उसकी वजह से भी आंसर ना आ रहा हो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो आपको क्वेश्चन को दोबारा भी चेक कर लेना है। यहाँ से अगर हमने किसको कॉमन लिया है, टू साइन ए को कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा साइन ए और यहाँ बचेगा माइनस वन, साइन ए माइनस वन, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस साइन ए भी कह सकते हैं इसे हम, टू से ही कैंसिल कर दिया हमने क्योंकि यहाँ पर ही कैंसिल हो गया था, टू साइन ए से कैंसिल हो गया, बचा कोस ए, साइन ए माइनस वन अपॉन कोस ए ही हमारा, लेकिन यहाँ पर आंसर जो आ रहा था हमारा वो कैसा आ रहा था, कोस ए ऊपर आ रहा था हमारा, ठीक है, कोस ए क्या आ रहा है हमारा, ऊपर आ रहा है, वन माइनस साइन ए नीचे आ रहा है। इसके लिए अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि वन माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं अगर हम, तो फिर बात वही आ जाती है हमारी, सोल्व नहीं हो रहा है। ये सेपरेट डिवाइड करने से कुछ बेनिफिट है क्या इसमें, अगर हम कोस इसको सेपरेट डिवाइड करें तो कोस साइन अपॉन कोस टेन आ जाएगा और ये सेक आ जाएगा, या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है इसमें कि हमने यहाँ प्लस टू साइन नहीं था, यहाँ माइनस कर लिया, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, अगर यहाँ प्लस कर ले तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस करेंगे तो इसमें प्लस आएगा, माइनस टू साइन ए कॉमन लेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का आएगा अगर यहाँ पर, तो यहाँ वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमारा, अब हो जाएगा क्वेश्चन, अब हो गया। देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है इसमें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखो ये इसको वन प्लस साइन ए भी तो लिख सकते हैं, तो वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, अगर हम वन को पहले रखें तो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर,
माइनस बी स्क्वायर मीन साइन का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या कर सकते हैं, डिवाइड में ऐसे रहने देंगे कोस ए और वन माइनस साइन ए। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, नीचे कोस ए है। अब हो गया देखो हमारा प्रूफ है कैसे, कि वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर कोस ए और वन माइनस साइन ए, एक कोस ए कोस कैंसिल हो गया, आ गया हमारा देखो कोस ए और वन माइनस साइन ए, आ गया ना बिल्कुल यही करना था हमें, कोस ए अपन वन माइनस साइन ए, कोस ए अपन वन माइनस साइन ए। ये हो गया गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, यस क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे इसमें अपन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है ये रूट वाले क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमेशा हमें रूट को यहाँ से एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पर है हमारा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू कोस ए 1 माइनस साइन ए। इसमें अगर हम एल एच एस पार्ट लेते हैं, जो एल एच एस पार्ट है ना वही, मतलब जिस पर रूट है ना आपको वही पार्ट लेना है। ये पार्ट लिया हमने 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। अब क्या करें हम नेक्स्ट, नेक्स्ट इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, अंदर स्क्वायर जनरेट करना होगा जिससे कि हमारा रूट यहाँ से हट जाए। इस रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए में नीचे बना दो क्या, इसमें नीचे क्या आ रहा है हमारा, 1 माइनस साइन ए आ रहा है, तो नीचे 1 माइनस साइन ए बना सकते हैं क्या हम, तो यस बना सकते हैं। कैसे, अगर हम इसमें क्या करें 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, लेकिन अगर हम इसमें 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जब ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये, क्यों, क्योंकि अगर हमने इसमें किया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कोस स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें ऊपर कोस बनेगा, कोस ऊपर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, हम तो क्या करते हैं रेशनलाइज में कि जो फैक्टर वैल्यू हमारी माइनस में होती है उससे, अगर हमारी वैल्यू और हमारे फैक्टर में माइनस साइन आ रहा है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन हमने माइनस से क्यों किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माइनस साइन है तो माइनस साइन से ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे रूट को नहीं हटाना है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, ये वाली वैल्यू लानी है, और ये वाली वैल्यू लाने के लिए हमने माइनस साइन से इसलिए किया क्योंकि देखो अगर हम इसमें आगे करते हैं इसको, तो आपको समझ में जाएगा ऐसा क्यों किया है, कि ऊपर आ जाएगा 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऊपर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही, डिवाइड में नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम वैल्यू है हमारी, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। नाउ ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, डिवाइड में ये हमारा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। अब देखो इस पर लग रहा है रूट और इन दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाता है रूट से, क्योंकि रूट का मीन्स क्या होता है पावर 1/2, तो इसके ऊपर भी पावर, अगर मैं 1/2 लगा तो और स्क्वायर लगा हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए ये आ जाएगा हमारा कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर प्लस साइन से भी लेकर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर प्लस साइन लिया तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू ऊपर बनेगी और ये वाली वैल्यू नीचे बनेगी, फिर आपको फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा क्वेश्चन उस वे में भी हो जाएगा। ये कैसे, कि अगर यहाँ पर प्लस ले लेते हो आप, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ मतलब कैसे होता अगर इस तरीके से लेते हैं, अगर आप उसको कि अगर हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाता, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाता, ऊपर बन जाता 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर लिख लेते हैं हम क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर, दोनों पे से रूट हट जाएगा, क्यों,
क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर बचता वन प्लस साइन है, नीचे बचता कोस है। लेकिन हमें तो ये चाहिए कोस ए अपॉन साइन है, ऊपर कोस चाहिए नीचे साइन चाहिए, नीचे हमें वन माइनस साइन चाहिए, तो वन माइनस साइन की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन है, ऊपर क्या जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर बन जाता हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा करना पड़ता फिर हमें। नीचे कोस ए बचता हमारा और यह था वन माइनस साइन ए, ये ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसे कोस स्क्वायर लिखते हैं। फिर क्या हो जाता है यहाँ पर कोस ए, कोस से कोस कैंसिल होता और वन माइनस साइन ए, तो कोस ए अपॉन वन माइनस साइन ए आ जाता हमारा, कोस ए अपॉन वन माइनस साइन ए, कोस ए अपॉन वन माइनस साइन ए आ जाता, ऐसे प्रूफ होता है हमारा, ऐसे कर सकते थे इसको हम। फिर नाइन्थ क्वेश्चन था, ऐसे इसका हम टेंथ पार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम है। तो टेंथ पार्ट में क्या है हमारा, ये रूट गिवन किया है वन माइनस कोस ए और ये वन प्लस कोस ए, यहाँ करेंगे इसको हम सोल्व, तो साइन ए और वन प्लस कोस ए। तो इसको ध्यान में रख के क्या हमें प्रूव करना है, इसको ध्यान में रख के आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। जैसे अगर हमारे पास है वन माइनस कोस ए और वन प्लस कोस ए, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, हम रूट के अंदर ही कर रहे हैं, क्या करें देखो, नीचे चाहिए हमें वन प्लस कोस ए। वन प्लस कोस ए कब बनेगा हमारा, कि अगर हम यहाँ पर वन प्लस कोस ए से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि हम वन प्लस कोस ए से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे वन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और रूट हट जाएगा स्क्वायर से, इसलिए वन प्लस कोस ए किया हमने। नाउ ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर बन ही आएगा कोस स्क्वायर का, कोस स्क्वायर ही, नीचे जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब वन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा, वन माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ही, और डिवाइड में वन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या साइन ए अपॉन कोस ए वन प्लस कोस ए, ये तो प्रूफ करना है। लो जी हो गया ये हमारा प्रूफ, ओके। तो ये सिंपल सा था बिल्कुल, इस टाइप से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें और भी पार्ट्स हैं हमारे, ओके। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अदर्स जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज को भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, ओके। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए, आपको तुरंत आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। थैंक यू।